सभाएं करेंगी मायावती। दतिया के सेवड़ा विधानसभा में जनसभा करेंगी, भिंड के नई गल्ला मंडी मैदान में जनसभा करेंगी। मध्य प्रदेश में 6 चुनावी जनसभा कर चुकी है मायावती। छत्तीसगढ़ में जो 2 जनसभाएं कर चुकी है मायावती। एमपी विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में मायावती 2 जनसभाएं कर चुकी हैं, वहीं एमपी के विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान। बसपा सुप्रीमो मायावती का एमपी दौरा। आज एमपी में 2 चुनावी जनसभाएं करेंगी मायावती। संजय, इस बीच देखिए मायावती भी, बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार एमपी के दौरे कर रही हैं। बिल्कुल, तो मैं बताऊं आपको कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और मध्य प्रदेश का दौरा वो लगातार कर रही हैं। आज उनकी 2 रैलियां खुद लगी हुई हैं उन रैलियों के जरिए, क्योंकि बसपा ने भी अपने कैंडिडेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे उतारे हैं। राजस्थान में आकाश को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो वहां पर लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मोर्चा खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाया हुआ है, तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बसपा हो या सपा, दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में। हालांकि बसपा के भी कई कैंडिडेट पिछली बार और उसके पिछली बार भी जीते थे, हालांकि उतना जनाधार नहीं बताया जाता है मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी बसपा वहां पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार वहां पर रैलियां कर रही है। लाइव खुला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वही रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर बांदा से है, जहां पर लापता प्रसूता का शव मिलने